नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहना खान। बरेली जेल में बंद माफिया डॉन बब्बू श्रीवास्तव को सोमवार दोपहर जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उसकी पेट और सीने की जांच होगी, साथ ही उसकी कई रूटीन जांचें भी होना है। इससे पहले जिला अस्पताल में मौजूद मरीजों को वहां से निकाल दिया गया है। गौरतलब है कि माफिया डॉन ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू श्रीवास्तव बरेली के सेंट्रल जेल में 1999 से बंद है। बबलू को साथियों सहित नैनी जेल से भेजा गया था। बबलू के साथ उसके साथी मंगेश उर्फ मंगे और कमल सैनी भी सेंट्रल जेल में बंद है। बताते चले कि पुणे के एसीपी की हत्या के मामले में तीनों को सजा हो चुकी है। कई संगीन अपराधों में बबलू श्रीवास्तव की भूमिका रही है, तो वहीं कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या के बाद जयराम की दुनिया के दुर्दांत अपराधियों में खौफ का माहौल बन गया था, जिसके चलते बबलू श्रीवास्तव और उसके साथी भी दहशत में आ गए थे। हालांकि उस दौरान जेल में बंद कई अपराधी भी दहशत में थे। पुलिस अधिकारियों की माने तो बबलू श्रीवास्तव और उसके साथियों का रुतबा अब भी कायम है। एक समय ऐसा आया जब एसटीएफ ने बबलू गैंग के 4 साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद बबलू दाऊद के संपर्क में आया। दोनों ने कुछ समय साथ काम किया था, लेकिन मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। हालांकि इसके बाद बबलू ने राजनीति में जाने का मन बनाया। उसने सीतापुर लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन किया, लेकिन सजा होने के चलते चुनाव आयोग ने आवेदन को निरस्त कर दिया था।